हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को होगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जिस भाई बहन को इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। कल हम लोगों ने जहाँ तक देखा था वो आखिरी बिंदु था हमारा भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, और आइए आज हम लोग इसके आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक तो है व्याकरण विधि, सबके बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद आती है व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषक विधि, आगमन विधि, और इसके बाद आपकी आती है लास्ट में निगमन विधि। चलिए सबसे पहली विधि पर चर्चा करते हैं, व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके व्याकरण विधि और उससे संबंधित चीजें, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ये कह रहा है यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, अर्थात इसमें बोलने का अवसर कम मिलता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तीसरा है आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौखिक वार्तालाप विधि कौन सी है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। चौथा है आपका सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषक विधि कम्युनिकेटिव मेथड पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इसके बाद आपका आता है आगमन विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दो ही विधियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आगमन और निगमन। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण दिया जाएगा फिर नियम की बात की जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, याद रखिएगा। जैसे पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में संज्ञा की परिभाषा बताई जाती है। इसके बाद आता है निगमन विधि, दूसरी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, पहले परिभाषा फिर उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। इसमें पहले आपको परिभाषा बता दी जाएगी, उसके बाद उसका उदाहरण आपको बताया जाता है। जैसे मैथ के सवाल, पहले आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया जाएगा और फिर इसके आधार पर आपको सवाल करवाए जाएंगे। बात करते हैं आपके एक फेमस साइंटिस्ट जीन पियाजे की, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। पियाजे महोदय कहते हैं अहम केंद्रित वाक्, बच्चा खुद से ही बोल बोल कर जब बात करता है तो वो जो है अहम केंद्रित वाक कहलाता है। यह 2 से 6 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। जैसे आप अक्सर छोटे बच्चों को देखते होंगे, अकेले ही रहेंगे तो कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, खिलौनों के साथ कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, इसे ही अहम केंद्रित वाक कहते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है।
पियाजे कहते कि भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। बात करते हैं भाषा एवं विचार की। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा और विचार पर? पियाजे के अनुसार पियाजे कहते हैं कि विचार आया पहले, भाषा आई बाद में। अर्थात विचार आएगा पहले और भाषा आएगी बाद में। आपने ऊपर ही पढ़ा, ये भाषा को महत्व ही नहीं देते, एक को पकड़ लो दूसरा अपने आप आ जाएगा। वाइगोत्स्की और पियाजे पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है, याद रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल, ये आपके वाइगोत्स्की के अनुसार है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो इनका सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये कहते हैं भाषा पहले आई है और विचार बाद में। इनके अनुसार भाषा पहले आई है, विचार बाद में। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों के विकास में सहायक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं, सामाजिक वाक सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक्य प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक्य साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद। तो ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं और तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों का समय सीमा आपको दी गई है, याद रखिएगा। भाषा और विचार की चर्चा हम करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद वे मिल जाते हैं। नोम चोम्स्की महोदय क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस, ठीक है। चलिए, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन LAD हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा है तो उसके लिए 5 साल का फेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि 5 साल तक के बच्चे को जो वातावरण मिल जाता है फिर वो बच्चा उसी वातावरण को ग्रहण कर लेता, उसी के अनुसार अपने आप को फिर वो आगे बढ़ाता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चोम्स्की, स्किनर, ब्रूनर, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। आंसर आपको दिया गया है तो सभी को पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे नॉम चोम्स्की, तो चोम्स्की से संबंधित है। भाषा कौशल की बात करते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाषा के मुख्य 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, ये भी आपको याद रखना है। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। ये क्रम से सीखे जाते हैं लेकिन इसी क्रम में सीखे जाएंगे ये भी जरूरी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सुनना। बच्चों को सुनने का मौका दिया जाए, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाया जाए और कहानी व कविता उनको सुनाई जाए। बोलना का मतलब है कविता का उनसे पठन करवाया जाए, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछा जा सकता है, बच्चों से किसी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं, जिसमें आपको मौन पठन, एक होता है साइलेंट रीडिंग। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, बच्चे का उदाहरण अच्छा होगा और तेजी से चीज़ों को पढ़ सकता है। दूसरा आपका होता है सस्वर पठन, लाउड रीडिंग जिसको बोलते हैं, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा, सस्वर पठन से रस भी आता है। लिखना, अध्यापिका बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग करवा सकती है। लेखन के प्रकार सुलेख, सुंदर लेख, श्रुत लेख, वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर करना, अनुलेख अक्षरों का अनुरेखण करना, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।
भाषाई विकार की बात करते हैं, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, अफेजिया के कारण सुनने समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, डिसलेक्सिया पठन क्षमता पढ़ने व लिखने में समस्या आती है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है आपको बताना है। तो पठन वैकल्य में क्या होगा आपको प्राथमिक लक्षण बताना है, न्यून अवधान का विकार नहीं, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने को अक्षमता, पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे पठन वैकल्य कहते हैं। शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल जॉन डीवी ने दिया है, अध्यापक विषय वस्तु और ज्ञात से अज्ञात तीन ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, टीचिंग मैक्सिम्स क्या होते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दृश्य सामग्री में चार्ट और मानचित्र आते हैं, श्रव्य सामग्री में रेडियो टेप रिकॉर्डर आते हैं, दृश्य श्रव्य में आपका जैसे टीवी आता है, और क्रिया सहायक सामग्री में आपका जैसे फोल्ड ट्रिप आता है, याद रखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को ज़्यादा रुचिकर बनाया जाता है और प्रभावी बनाने के लिए स्वाभाविक भागीदारता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में क्या है, तो ये सभी सहायक होते हैं। अगला कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है, तो वो आपका बाल साहित्य होता है। बात करते हैं दृश्य सामग्री, विजुअल एड क्या होते हैं, जिस आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, पाठ्यपुस्तक है, मानचित्र है, ये दृश्य हैं, इसमें केवल दिखाई दिया जाता है। श्रव्य सामग्री में हियरिंग एड, इसमें केवल सुना जाता है, रेडियो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, टेप रिकॉर्डर है। इसके बाद आएगा दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल, जिसमें आपका फिल्म प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, नाटक है, ठीक है, चलचित्र है। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्यान इसका भ्रमण करवाना ही क्या है, क्रिया सहायक सामग्री है। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य होता है आप सभी को बताना है, तो आकलन का उद्देश्य क्या है, पहला है जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, इसलिए आकलन किया जाता है। छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए आकलन किया जाता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, गलती को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, ठीक है। आकलन क्या होता है, असेसमेंट, इसमें यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन, मेजरमेंट, इसमें यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है, इसको मेजरमेंट कहते हैं। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है, तो ये दोनों ही मूल्यांकन से जुड़े हुए पहलू हैं। बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है, ठीक है। उपचारात्मक, निदान के बाद उपचार, ठीक है। चलिए, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा शिक्षण करवाता है तो उसे उपकारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदान के बाद उपचारात्मक, ये उपचारात्मक होगा भैया, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। आगे बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। चलिए बात करते हैं दक्षता परीक्षा क्या होती है, ये भी जान लीजिए। तो इनमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषण सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है,
उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन, उसके लेखन क्षमता का आकलन और उसके बोलने की कुशलता का आकलन। आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा कमेंट मारिएगा। मुख्य कौशल प्राइमरी स्किल में सुनना और बोलना। पुनर्वलन में क्या आता है? बोलना और लिखना आपका पुनर्वलन में आता है। बहुभाषिकता में क्या आता है? NCF बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना होता है। बहुभाषाई कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व साहित्य का एक अभिन्न अंग भी है, याद रखिएगा। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई है। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा व अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। ये था आपका हिंदी से संबंधित संपूर्ण टॉपिक। हिंदी पेडागॉजी आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको एक वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।